अभी हम गिरते गिरते बच गए। दिन की शुरुआत होती है यहाँ से। अपनी कबर्ड ना दिखाने लायक नहीं हुई अभी, हालत बहुत खराब है। एक झलक दिखाता हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि धुले हुए कपड़े जो हमने अभी पहने हैं फिर दोबारा धुल के फिर दोबारा कबर्ड में ऊपर आ जाते हैं और आप फिर दोबारा वही कपड़े सेम पहनते हो और जो नीचे के कपड़े हैं वो नीचे ही रहते हैं, आप दोबारा नहीं पहनते हो? मेरे साथ कभी कभार ऐसा होता है। ये हो गए, एक सेकेंड में अपने कपड़े रेडी। और ऐसा आप सबके साथ भी होता होगा कि आप डिसाइड कुछ और करते हो पहनने के लिए, बट लास्ट मोमेंट में आपको लगता है कि यार कुछ और पहनना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ और टी शर्ट अच्छी लगेगी, तो मैंने ये वाली टी शर्ट की जगह अपनी लेवाइस की वाइट वाली टी शर्ट पहन ली। मेरे को लगा इसकी सिमेट्री बैठेगी यार, रेड रेड और वाइट है, वाइट के साथ ब्लैक बहुत अच्छा लगता है इसलिए। सो दैट्स इट, आई एम ऑल सेट एंड रेडी। अभी मैं निकलूँगा पहले पूर्ति के पास और आज काम भी करने हैं, पूर्ति के साथ शॉपिंग पे भी जाना है एंड देखते हैं आज का दिन कैसे जाएगा। सी या। तो अभी मैं जा रहा हूँ पूर्ति को लेने, पिक करने, और उसके बाद मेरे को एक बार अपने ऑफिस भी जाना होगा बिकॉज वहाँ पे थोड़ा एक छोटा सा काम है, छोटा सा काम, और वहाँ पे मेरा स्टैंड भी है फ़ोन का जिससे मैं अगर ब्लॉक करूँगा तो ब्लॉक करते हुए, तो मेरे को थोड़ा सा मेरे को स्टैंड चाहिए होगा क्योंकि तो हाथ से यार बहुत शेकी वीडियो हो जाती है बहुत बार, इसलिए। मैं एक्चुअली गलत गेट पे आ गया था, पूर्ति इज़ एट गेट नंबर 1 और अब मैं जा रहा हूँ यूटर्न लेके उसको पिक करूँगा और मैं अपनी हेलमेट भी लाया हूँ, तो हेलमेट भी मेरे एक ऑफिस में रखा हुआ है। वैसे यार ये पोर्ट्रेट मोड में मैं ब्लॉक कर रहा हूँ बिकॉज अभी तक मैंने मेरा जो एक्शन कैमरा है मेरे को मिला नहीं है, मिसप्लेस हो गया है मेरा एक्शन कैमरा। सो ऑफिस में भी नहीं है एक्शन कैमरा और घर में भी नहीं मिला मेरे को, तो देखते हैं कहाँ पर है, और दोनों में से एक ही जगह होना चाहिए। पूर्ति की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है आज, वैसे अभी ऑड इवन शुरू हो रखा है दिल्ली में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कमर्शियल व्हीकल को छोड़ के बाकी सारी फोर व्हीलर्स ज़्यादातर ऑड नंबर की होगी, ये 5 नंबर है, वो 9 नंबर है और ये इवन है, बट ये कमर्शियल इसलिए अलाउड है। अभी हमारा थोड़ा काम था ऑफिस में तो मैंने अभी सारा काम निपटा लिया है, मतलब मेरे कुछ काम और भी हैं जैसे कि मेरे को भी कुछ जैकेट्स लेने जाना है, जो मेरा वर्कशॉप है जहाँ पे मेरी सारी जैकेट्स बनती है वहाँ से जैकेट्स लेने जाना है, और साथ साथ मेरे को शॉपिंग पे भी जाना है। सो दिस इज़ माय लाइफ, कि क्या है कि काम भी है पर्सनल लाइफ भी है, और आपको कभी कभार होती है कि पर्सनल चीज़ें भी बहुत बार होती है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपको करना होता है, तो दोनों ही आपको बैलेंस करके चलनी होती है, तो दिस इज़ हाउ आई एम मैनेजिंग। She wanna lie, no strings attached till we fall. I'm getting way too. अभी फिलहाल मेरे को लग रही है थोड़ी सी भूख, पर अभी कुछ जैकेट्स मेरे को वर्कशॉप पे लेने जानी थी, पर मैं अभी थोड़ी जैसे भूख लग रही है तो मैंने सोचा यार थोड़ा कुछ खा लेते हैं, और 15-20 मिनट का अगर गैप पड़ भी जाता है तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज क्या है, पूरी मेरी प्रोफेशनल लाइफ पूरी देख लेगी कि कैसा है क्या नहीं, ऑल्दो वो जानती सब कुछ है, पर स्टिल एक होता है ना कि पूरा दिन साथ में रहने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पर JNU में अपने बहुत सारे मीडिया वाले आ रखे हैं, क्योंकि आपको पता है JNU में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज अभी चल रही है, तो लेट्स सी अगर यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं तो, क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे तो एंटर हो नहीं पाएगी क्योंकि इतने सारे पुलिस वाले ऑलरेडी हैं यहाँ पर। हम JNU में अंदर तो अभी जाएंगे आएंगे, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, मतलब जा तो ना सकते, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते। तो अभी हम आ गए हैं अपना DLF और एम्बियंस प्रोमिनार्ड है यहाँ पे हमारा,
डीएलएफ प्रोमिनार्ड है और एम्बियंस मॉल है वसंत कुंज का। Started out as thoughts, thoughts turned to whispers. जब तक मेरे से बात करी थी ये लड़की कितने अलग मूड में थी, और जैसे ही क्लाइंट का कॉल आया, वाह क्या अलग ही मूड है। और मोटी क्लाइंट का फोन आते ही खुश। हाँ, और यहाँ पे वैसे इतनी देर से मूड आ रखा है, क्या सी रही है? क्लाइंट के फोन। हाँ हाँ, क्लाइंट के फोन से खुश हुई तो कैसे हुई खुश? तुमने मूड खराब। हाँ हाँ, मैंने बड़ा मूड खराब किया हुआ है। दिस इज माय मील एंड दैट्स पूर्तीज मील। तो मैंने एक मैक भेजी जो पूरा का पूरा पूर्ति खा गई थी, और अब ये पनीर रैप जो आधा ऑलरेडी पूर्ति खा गई। टाइम फॉर सम शेक, शेक इट बेबी। पूर्ति इज स्पीचलेस। ये सही है, कभी भी कुछ हुआ ना, जैसे आजकल हर कोई ना रोड पे भी कैमरा ऑन करके बोल देता है और बंदा चुप हो जाता है। ये सही है, अभी जैसे बड़बड़ करी थी चुप हो गई। अभी फिलहाल एक शेक चल रहा है, एक शेक अर्ज किया है। पी रहे हैं हम कैवेंटर्स का शेक, पी रहे हैं हम कैवेंटर्स का शेक। इट हैज़ अ लवली टेस्ट। इतनी बेकार शायरी में पूर्ती ने ना बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। वैसे अब मैं धीरे धीरे ना डेली ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना कि कैसा है कैसा नहीं है, और डेली ब्लॉगिंग मेरे को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाकी मैं एक ही इंसान में सच में बताता हूँ क्या, जो कि मेरी ब्लॉगिंग के बीच में हर बार आता है, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं किसी के सामने भी इतना कॉन्शियस नहीं होता हूँ। मतलब क्या है ना कि हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई लुक दिया जाता है, और मैं हमेशा बार बार उस इंसान को दिखता रहता हूँ, वही है जो कि अभी हंस रही है। हमेशा जब देखो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, भाई पीछे से बंदी हंसे जा रही है, हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। क्या यार, क्या बोल रही थी, पहले बोलो दोबारा। ये लड़का मुझे काम नहीं करने देता है। तो यार अब अपना जितना भी लंच कर लिया, बहुत देर हो गई यहाँ बैठे, अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हम निकल चुके हैं जैकेट्स लेने। ऐसे ही थोड़ा बहुत चलता है यार, कि जहाँ पे मेरे को जैकेट लानी होती है बाइक पे, ऐसी जैकेट्स लेके आता हूँ, और अब हम डिस्पैच करेंगे इनको। काम हो गया फिर दोबारा ऑफिस का, फिर दोबारा जा रहे हैं और कुछ काम करेंगे अपना। सो दैट्स माय लाइफ। अभी बस यहाँ से फिर हम निकलेंगे, शायद से हम शॉपिंग के लिए भी जा सकते हैं, और शॉपिंग नहीं गए तो फिर उसके बाद हम व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। तो आफ्टर 2 आवर्स अब हम निकले हैं यहाँ से, और अब मोस्ट प्रॉब्ली आई विल ड्रॉप पूरू उसके घर पे, और फिर उसके बाद एक बार मैं ऑफिस जाऊँगा, और फिर उसके बाद मैं अपने घर जाऊँगा। Time was the only enemy. Space was the only rim. Almost Puru ka ghar aa gaya hai, and abhi se drop karunga. तो गुड़गांव की एक ये अच्छी बात लगी मेरे को कि यहाँ पे कैमरा है ना सही डायरेक्शन में लगी है, और पीछे कैमरा। अभी फिर मैंने पूर्ति को ड्रॉप कर दिया है, और इस टाइम टू एंड दी ब्लॉग, क्योंकि अब मैं डायरेक्टली यहाँ से जाऊँगा अपने ऑफिस एंड देन उसके बाद घर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, एंड इफ़ यू आर न्यू यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अब मैंने स्टार्ट करा है डेली व्लॉगिंग, सो लेट्स सी कैसे जाता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और दोबारा मिलते हैं। तुम कुछ नहीं बोलो, क्या रहा होगी कुछ बोलना है? नहीं बोलना है। बाय 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 बाय। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो बॉस आज की कहानी ख़त्म होती है यहीं पे। बाय। मेरा फ़ोन गिरा रही थी ये लड़की, अभी अपने पड़ोसी की किडनी बेच के फ़ोन लिया ये वाला मैंने। अभी हम गिरते गिरते बच गए।